चनग्राम में एक क्रिकेट टूर्नामेंट जो है काफ़ी देर से चल रही थी, आज उसका फाइनल मैच यहां पे रखा गया था और इस फाइनल मैच में मेरे भाई राहुल देव जी को यहां पे बतौरे मेहमान हमने चीफ गेस्ट आज यहां पे बुलाया था। सबको मालूम है कि लगभग एक महीने से ये टूर्नामेंट चल रही है, इसमें 10,000 रुपया फाइनल टीम को जो जीतेगी, जो विनर टीम होगी उसको 10,000 रुपया था ट्रॉफी के साथ और रनर अप टीम को जो है 6,000 रुपया ट्रॉफी के साथ रखा गया था। तो जिसमें आज राहुल देव जी ने ये सारे इनाम जो हैं कैश और मोमेंटो देके उन टीमों को जो है यहाँ पे सम्मानित किया है। और मैं आए दिन इस तरह के टूर्नामेंट के लिए लोगों से ये आह्वान करूँगा कि आए दिन इस तरह की टूर्नामेंट्स, इस तरह के खेल जो है अपनी अपनी पंचायतों में, अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने गांव में जो है ज़रूर करवाते रहें, जिससे कि यूथ जो है एक दिशा में लगकर नशे से दूर रहे और खेलों में उनका इंटरेस्ट बढ़े। एरिया जो ये बदनाम भी है नशे को लेकर, यहाँ पे चिट्टे का जो है बहुत बोलबाला है, साथ में गांव पड़ता है, यहाँ पे देसी शराब का बहुत बोलबाला है, आए दिन कुछ ना कुछ यहाँ पे घटनाएं सुनने को मिलती है। लेकिन ये ग्राउंड बनने के बाद हमें लगता है कि हमारे जो युवा हैं, जो हमारे लड़के हैं, उनकी जो है दिशा बदली है, उनका ध्यान उस तरफ जाने की बजाय अब खेलों में जा रहा है। तो मेरे ख्याल से ये इनके आने वाले भविष्य के लिए भी, सुनहरी भविष्य के लिए भी बेहतर होगा और हमारे पूरे गांव के लिए भी ये बेहतर। रोहित जी को और इनकी पूरी पंचायत के सदस्य उनको बधाई देता हूँ कि इन्हें बड़ी एक मेहनत करके जो एक ग्राउंड, ये बंजर ज़मीन पड़ी थी जहाँ 10 लाख की लागत से एक ग्राउंड बनवाया और आज इस ग्राउंड पे जो पहली टूर्नामेंट यहाँ पे सफल हुई है, जिसमें 16 टीमों ने टोटल पार्टिसिपेट किया और आज जो चानग्रांग की टीम है वो इस फाइनल में विजेता रही है और कठुआ से हमारी टीम है वो दूसरे नंबर पे रही है। खेल खेल है, उसमें जीता और हारता कोई नहीं है, बस मैटर ये करता है कि आप उस खेल को किस जज्बे से और किस स्पिरिट के साथ खेल रहे हैं। तो मैं पूरे चानग्रांग वासियों को और विशेष तौर पर अपने मित्र रोहित जी को बधाई देता हूँ कि ऐसे जो इवेंट है ये आगे भी ऑर्गेनाइज कराते रहें। और आप देखिए कि आज की दौर में प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने खेल को बढ़ावा देने के लिए कितने सारे कार्य किए हैं। आप देखिए कि आज गवर्नमेंट ने जो BDC DDC मेंबर हमारे बने हैं और जब कैपेक्स बजट में शायद ही कोई ऐसा गांव होगा जहां पे प्ले ग्राउंड के लिए पैसा नहीं रखा गया हो, जहां स्पोर्ट्स किट्स के लिए पैसा नहीं रखा गया हो, जहां ओपन एयर जिम्स के लिए पैसा नहीं रखा गया हो। पहले भी सरकारें थी, उन्होंने आज तक ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया जिससे युवा का जो रुझान है वो खेल के प्रति बढ़े। और आपको पता है कि कठुआ दिन प्रतिदिन नशे की गिरफ्त में कहीं ना कहीं आते जा रहा है, लेकिन मैं प्रशासन को भी मुबारकबाद देता हूँ, प्रशासन भी आए दिन कोई ना कोई इवेंट करवा रहा है और हमारे जो चुने नुमाइंदे वो भी किसी ना किसी तरह से अपने गाँव में, अपने ब्लॉक्स में डेवलपमेंट करवा रहे हैं, प्ले ग्राउंड बनवा रहे हैं। तो इससे ये युवा के अंदर जो कहीं ना कहीं युवा आपको घर में मोबाइल तक ही सीमित था, आज वो ग्राउंड में आकर एक्सरसाइज कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है और बड़ी सारी गेम्स खेल रहा है। तो आपने मैं अपनी तरफ से पुनः युवाओं को यही संदेश देता हूँ, करना है तो आप खेल करिए, खेल खेलिए। बाकी ये नशा है, ये एक टेम्परेरी फेस है, ये किसी की ज़िंदगी उजाड़ता है, किसी की ज़िंदगी से वार्ता नहीं है। और आप देखिए इस बार जो ओलंपिक्स गेम हुई है, जब पैरालंपिक्स गेम हुई, इसमें भारत ने बड़ा ही अच्छा एक परफॉर्मेंस दिया है। तो मैं भी यही कामना करूँगा कि हमारे कठुआ से भी लोग जो इस अगली जो हमारी जो ओलंपिक्स होने जाएंगे, जो और गेम नेशनल्स गेम है, हमारे कठुआ के युवा उसमें पार्टिसिपेट करें। जय हिंद, जय भारत।